2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है, और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यहीं छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की, बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में, हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बनाइए। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत घर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की, तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए, तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशकों दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है,
ये इन्हें पच नहीं रहा है, इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है।